हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सबने बहुत मेहनत की, आप सबका जो प्रयास रहा, जो भी आपकी टेंशन है वो आज है वो लगभग दूर हो जाएगी, क्योंकि परिणाम तैयार हो चुका है और आज शाम तक आपका परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। आप सबके चेहरों पे खुशियां हैं वो आने वाली है। आपके जो भी इस मंजिल को पाने में जो भी आपको कठिनाइयां हुई वो सब आप अंतिम परिणाम प्राप्त करके वो सब आप भूल जाओगे और आप सबके घर में खुशियां आएगी। जो भी हो, कट ऑफ जो भी हमने बताई या किसी और ने भी बताई, तो उम्मीद करते हैं कि उससे भी कम जाए और ज्यादा से ज्यादा आप सबका सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद के साथ आप सबको शुभकामनाएं। अब देखो, कुछ एक चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि आप सबको बहुत काफी दिनों से डराया जा रहा है कि आपका प्रोविजनल रख दिया जाएगा, आपको पात्र अपात्र कर दिया जाएगा। इस प्रकार की खबरें हैं वो बहुत आ रही है, लेकिन जो हमसे जो रेगुलर जुड़ा है, अपने चैनल से जो रेगुलर जुड़ा है, उन सबको मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ था तब लोगों ने डराया था, तब भी कहा था कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। मानी हुए भूल होना स्वाभाविक होता है, ये हर किसी को पता होता है। और जहां कर्मचारी चयन बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो भी एक इंसान ही है, तो वो भी समझते हैं कि गलती होना स्वाभाविक है। उस बेस में आपको कभी भी किसी भी भर्ती से बाहर नहीं किया जाता। किसी भी भर्ती से बाहर आपको तभी किया जा सकता है जब आपके जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपके फर्जी हो, तभी आपको बाहर कर सकते हैं। बाकी बहुत कम चांस में आपको बाहर किया जाता है। बाकी आपके जब तक डॉक्यूमेंट सही है तब तक आपको कोई बाहर नहीं करेगा। इसमें देखो, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है वगैरह, जो भी चीजें होती है, आपका लेट बनता है, जल्दी बना है, शपथ पत्र दिया है नहीं दिया है, काफी सारी चीजें होती है। तो आज इस वीडियो में ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आराम से बैठ के वीडियो जरूर सुन। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग है वो महत्वपूर्ण है। जो भी आपको चीजें मिलेगी वो आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक मिलेगी। जो भी मैं बताऊंगा वो आपको एकदम कंफर्म होने के बाद में चीजें हैं वो लेकर आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखो, सबसे पहली बात आती है कि परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। तो परिणाम देखो, आप सबको पता है काफी दिनों से आपका परिणाम है वो तैयार हो रहा था और फाइनली परिणाम तैयार हो चुका है। केवल फाइनल मीटिंग बाकी है, वो होने के बाद आपका परिणाम है वो आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। हो सके उतने 90% आज परिणाम आ जाएगा, लेकिन किसी कारणवश परिणाम नहीं आता है तो 25 को आपको पता है कल कर्मचारी चयन बोर्ड पे वैसे भी जो भी आपके लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट है वो इकट्ठे हो रहे हैं इसके लिए कि अगर परिणाम जारी हो जाता है तब तो आप डेटा है वो बीकानेर निदेशालय भेजो और उसके बाद तुरंत 7 दिन बाद वहां से डेटा कलेक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे, जिला अलॉट कर देंगे, जिससे आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो पाए, क्योंकि आपका इंतजार है वो काफी बड़ा है और आपने काफी प्रयास किए। तो इस बेस पे 25 को फिर हम जारी कल जरूर करवा लेंगे, क्योंकि हम सब होंगे, मैं खुद भी होऊंगा, आपको मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था। और हमें हमेशा ध्यान में रखना है, नेतृत्व में कोई भी करे, जब तक हमारा फायदा है उस वे में आप जरूर काम करें। तो देखो, रिजल्ट को लेकर बता देता हूं, आज शाम तक देखो 4-5 बजे से पहले जारी कभी भी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब भी रिजल्ट वगैरह आते हैं तो लगभग 4 या 5 के करीब आते हैं रिजल्ट, जैसे 3, 4, 5 यहाँ के, तो सुबह सुबह तो परिणाम नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके प्रश्न हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं वो रहने वाली, ठीक है। तो देखो, हम बात करते हैं परिणाम को लेकर, आपकी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात आती है कि सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि प्रोविजनल अगर रख देते हैं तो प्रोविजनल रखने के बाद में आपका परिणाम, या आपका परिणाम कहें या ज्वाइनिंग कहें, कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक आ सकती है, किन की जिनका प्रोविजनल परिणाम रखेंगे उनका, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखो, प्रोविजनल रखने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे अगर आपको प्रोविजनल रखते हैं किसी शपथ पत्र के कारण, तो आपको 2 या 3 दिन का समय देंगे, आप कर्मचारी चयन बोर्ड आओगे, शपथ पत्र दोगे, वो तुरंत आपको बहाल कर देंगे और वो बीकानेर निदेशालय डेटा भेज देंगे और लगभग साथ साथ ही ये चीजें हो जाएगी। मेरा जहां तक अनुमान है, अब की बार जो भी प्रोविजनल रहेगा और अपनी सतर्कता के साथ डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाएगा, तो उसको मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है, आपका आचार संहिता से पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्यादा लंबा आपको नहीं खींचेंगे, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर प्रोविजनल रख देते हैं तो हमारी ज्वाइनिंग कितने डिले हो सकती है, तो मान के चलना आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा डिले नहीं होगी। हो सकता है जो आपका जो नॉर्मल जिनको पहली अंतिम सूची में जारी करेंगे उनको ज्वाइनिंग मिले, उनसे 5, 6, 7 दिन लेट मिल जाए, पर ज्यादा समय नहीं निकलेगा। लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो
वैसे भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग है, ये मान लो कि आज परिणाम आ जाता है 24 को, तो आपका जो डेटा है वो 25, 26 या 27 के आसपास आपका डेटा बीकानेर निदेशालय भेज देंगे। और वहां पे कानाराम जी ने कहा है कि जैसे ही डेटा आएंगे सातवें दिन में जिला अलॉटमेंट कर दूंगा। तो 27 में आगे आप 4 दिन और जोड़ोगे तो लगभग 3 या 4 सितंबर को क्या हो जाता है, आपका जिला अलॉट हो जाता है। 10 तारीख तक आपका जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो सारी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, किस प्रकार से बनवाना है ये मैंने अलग से वीडियो दिया है, बाकी और भी सूचना आपको मैं दे दूंगा। तो आपका 10, 11, 12 तारीख तक ज्वाइनिंग हो सकता है। उसके बाद में ये मान लो जिसको प्रोविजनल रखते हैं, बड़ा इश्यू है नहीं, आपके 20 दिन और बचे, 3 या 4 अक्टूबर को लगेगी, तो उससे पहले पहले आपका रिजल्ट है वो दे देंगे, आराम से आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। इसलिए लेवल फर्स्ट को तो बिल्कुल भी इस चीज से डरना नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आपके लिए डर की बात है तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये आती है कि जो बाहर से जिन्होंने डिग्री किया, जैसे हरियाणा से किया है, किसी ने एमपी से किया है, उनका क्या होगा, तो उनको भी देखो आपका परिणाम हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन आप ये मान के चलना आपकी भी ज्वाइनिंग पहले ही हो जाएगी, क्योंकि आपके दस्तावेज है वो थोड़े से उनको कंफर्म करने होते हैं, और जो राजस्थान से डिग्रियां है उनसे थोड़ा सा लेट देते हैं। तो लेवल फर्स्ट के लिए आपका फायदा ये है कि आपके पास 20 दिन या 15 दिन आपके अलग से शेष बच जाते हैं आचार संहिता से पहले, तो आपका आराम से ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा। बिल्कुल जब भी परिणाम आज आएगा उसके बाद में क्या सिचुएशन रहती है उस बेस पे अगर आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो हमारी तरफ से पूरी तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप बात करोगे, जैसे देखो जाति प्रमाण पत्र किसी ने नया बनवाया, पुराना बनवाया, शपथ पत्र भूल गए या दे दिया, तो उनको डर है कि मैं हूंगा या नहीं हूंगा पात्र, तो आप सब पात्र हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि 99.99% जो बच्चे हैं वो क्या है, पात्र है, कोई कमी उनके दस्तावेजों में नहीं है, ठीक है। रेयर चांस में आपको क्या मांगते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कम रहता है तो वो मांगते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में परिणाम, मैंने बताया कि परिणाम आपका शाम तक आ जाएगा। दूसरी बात देखो, सारी चीजें हैं, मैंने खुद की जो कट ऑफ वगैरह मैंने बताई है आपने देख भी ली होगी, 2 गुणा सूची आई थी, उसके बाद में 1 गुणा सूची है, इसकी भी मैंने बता दी है, तो आएगी, इसके लिए भी मैंने बता दी है। हमारी तरफ से यह है कि बहुत स्ट्रिक्टता के साथ बताया गया, लेकिन फिर भी हमारी ये आशाएं हैं कि कट ऑफ हमसे हम झूठ हो जाए, चाहे कट ऑफ नीचे जाए, जिससे आप सबका सिलेक्शन हो पाए, आप सबके घर में खुशियां आए, जो भी आपने मेहनत किया उनका परिणाम है वो आपको उसके अनुसार मिले, और जो भी परिणाम आए उनको बड़े शिक्षित होने के नाते अच्छे तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है। जिनका परिणाम हो वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए तैयारी करें, जिनका किसी कारणवश रह जाता है या नहीं हो पाता है थोड़े से नंबर के कारण, तो वो उसी तरीके से अपनी मेहनत है वो जारी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन जरूर आपके चेहरे पर खुशियां लेकर के आएगी। उसके बाद में देखो एक वेटिंग लिस्ट वाला भी सीन होता है, वेटिंग लिस्ट को लेकर मैं आपको बता देता हूं। जिनके भी कट ऑफ से 1 नंबर 1.5 नंबर के करीब या 2 नंबर तक के भी कई बार नीचे भी आ जाती है, तो उसके लगभग अगर आपके आते हैं तो जरूर निश्चित रूप से आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो आपका कितना भी लेट हो सिलेक्शन जरूर होता है। उसमें आपकी सरकार चेंज होने से, उसमें आपके चुनाव होने से कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आपका जो भी पूरी तरीके से ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा उसके बाद में वो थोड़ा समय लेकर निकालते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाता है, तो इसके लिए आपको निश्चित रहना है। बाकी और भी डिटेल से मैं जानकारी आपको बताता रहूंगा, जो भी परिणाम हो वो उसे हमें एक्सेप्ट करना है, किसी के साथ कोई विरोधाभास किसी प्रकार का हमें गलानी अपने मन में नहीं रखना है। आप सब ने मेहनत की है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और उम्मीद है कि आपको उस बेस में आपको परिणाम मिले, आपका अंतिम रूप से चयन हो, और हमसे जुड़े सभी जो भी आप भाई बहन हो सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबका सिलेक्शन हो और आपके घरों में आज मिठाइयाँ बंटे और अच्छे तरीके से आपकी खुशहाल जिंदगी हो। बाकी जो भी परिणाम रहता है हम देख लेंगे, जो भी परिणाम आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करवा दूंगा, निश्चित रूप से हमसे जुड़े रहें, ठीक है। प्रोविजनल को लेकर मैंने बता दिया है कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रोविजनल रह भी जाता है तो आपके पास 15-20 दिन का समय बचता है, उसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर कम रहते हैं उनको भी मैं बता देता हूं, आपका वेटिंग लिस्ट वगैरह आएगी तो कन्फर्म रूप से हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी, ठीक है। लेवल फर्स्ट के लिए प्रोविजनल के लिए घबराना नहीं है, और पात्र अपात्र के लिए मैंने बता दिया 99.99% आप सब क्या हो, पात्र हो, कोई भी अपात्र नहीं है। अपात्र वो होंगे उनसे 2-3 दिन का समय देके डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, और डॉक्यूमेंट आपको कहाँ देने होंगे, सीधे कर्मचारी चयन बोर्ड, जिससे तुरंत वो आपके जो भी फाइल बनी है उसमें लगा देंगे और तुरंत बीकानेर आपकी डेटा भेज देंगे।
इस प्रकार से कोई दिक्कत आपके नहीं होनी है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में जरूर आपकी मदद करूंगा। आप कमेंट कर सकते हो, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां पर आपको मैं जरूर मेरी जो टेलीग्राम आईडी है वो वहां पे आपको मिल जाएगी, आप मुझसे बात कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भावी अध्यापक हो, और आज हो सकता है आप सबके भावी अध्यापक होने के नाते आप अध्यापक जो आपकी जो पोस्ट है वो बन जाए, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शाम को मिलते हैं रिजल्ट के साथ, बेल आइकन जरूर दबा के रखें।